जय श्री राम। थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। भारतीय विचार मंच और जितने भी श्रोतागण हैं जो आज सुनने आए हैं, बिफोर वी स्टार्ट द टॉक, केम के गुजराती ऑडियंस छे, आई नीड टू गिव अ स्टार्टिंग यू नो आइस ब्रेकर कि भाई कोई गुजराती नो वीजा रिजेक्ट करता पहला विचार करवो। भूलो थाई तो सुधारी लेवी टाइम ऊपर। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, बिफोर वी गो टू इकोनॉमिक्स, आई वुड लाइक टू शो सम ऑफ द एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। तो आ 2014 नू वोटिंग ना एक दिवस पहला मैं लखेलू पोस्ट के 370 अने 35 ए जशे। If you can dim the light. So, Ahmedabad shift 2012 માં થયા, તો હજી સુરતનું જ વોટિંગ આઈડી હતું, સો વી વેન્ટ ટુ સુરત ટુ વોટ। તો એક દિવસ પહેલાં લખેલું છે કે 370 અને 35 એ જશે। નેક્સ્ટ આ છે 2017નું, એમાં લખ્યું છે 2019નું મેન્ડેટ આવતા જ કાશ્મીર ઉપર એક્શન્સ ચાલુ થશે। નેક્સ્ટ presidential rule in Kashmir 2017, that is the first step to solve the Kashmir issue। Next, this is 1 week before 370-35 hurt you in a 1 week pehla। Next, Doklam issue kai window ma close thase aa enu prediction chhe। નેક્સ્ટ, ડોકલામ વખતે ધીસ વોઝ ધ વોર્નિંગ ફોર એલએસી સ્ટેન્ડ ઓફ, ઇફ અગ્રીમેન્ટ થયા વગર જ જો ડોકલામ ક્લોઝ થાય તો બિગર વન ઇઝ કમિંગ। નેક્સ્ટ, આ એલએસી સ્ટેન્ડ ઓફનું પ્રેડિક્શન 20 દિવસ પહેલા, એલએસી સ્ટેન્ડ ઓફ સ્ટાર્ટ થયું એના 20 દિવસ પહેલા। નેક્સ્ટ, જે હાઇટ્સ કેપ્ચર કરી એનું પ્રેડિક્શન છે કે યુ વિલ હેવ ટુ કેપ્ચર સમ અધર પ્લેસ, એ જગ્યા જ્યાં ઇન્ટ્રુઝન થયું છે, જહાં પે ઇન્ટ્રુઝન હુઆ હૈ વહાં પે આપ કુછ નહીં કર સકતે, દેટ વિન્ડો ઇઝ ક્લોઝ, સો યુ હેવ ટુ ટેક ધ નેક્સ્ટ વન। આ બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક્સનું પ્રેડિક્શન 5 મહિના પહેલા। નેક્સ્ટ, બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક્સનું પ્રેડિક્શન 4 દિવસ પહેલા, 4 ડેઝ બિફોર, બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક્સ 48 અવર્સ બિફોર। નેક્સ્ટ, આ પાકિસ્તાનના રિસ્પોન્સનું પ્રેડિક્શન, ધીસ ઇઝ ધ પ્રેડિક્શન ઓફ વોટ વિલ બી પાકિસ્તાન્સ રિસ્પોન્સ ટુ બાલાકોટ। નવેમ્બર 2021 કા પ્રેડિક્શન, चाइना ताइवान रशिया यूक्रेन इंडिया POK इजराइल ईरान, ये चारों लाइंड अप हो चुके हैं, कौन पहले जाएगा, ये नवंबर 2021 का प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट, फरवरी 1 को लिखा है रशिया यूक्रेन पहले जाएगा। नेक्स्ट, ये यूक्रेन स्टार्ट होने से 6 दिन पहले कि ओलंपिक्स खत्म हो रहा है 20 तारीख को, अब यूक्रेन शुरू होगा। नेक्स्ट, ये अदानी FPO का प्रेडिक्शन
दस दिन पहले, और ये चाइना ताइवान का प्रेडिक्शन अगर 6 अगस्त को फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव स्टेज पे आते हैं तो होगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा, एंड द रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट कम, नहीं हुआ, दैट्स ऑल. तो ये जो है कुछ प्रेडिक्शंस जो और मैंने दो साल पहले दिए थे, विच इज़ यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, यूएई पहला हिंदू राष्ट्र बनेगा. ये 2 साल पहले का है, अब तो सिग्नल दिख रहा है, तब लोग हंस रहे थे. सो दूसरा दिया है कि सऊदी अरेबिया जो है वुड बी अ यहूदी मेजॉरिटी, ज्यूश मेजॉरिटी कंट्री, और ईरान जो है विल बिकम अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी, ऑल 3 by 2040. ठीक है, ये 2 साल पहले के प्रेडिक्शन है. अब तो यूएई का तो साफ दिख रहा है क्या डायरेक्शन है. इसके अलावा यूएस डॉलर का प्रेडिक्शन दिया है 3 rupees by 2029. रुके रुके. ये जो है 2 साल पहले दिया हुआ प्रेडिक्शन है यूएस डॉलर के ऊपर, और अभी तक इस नंबर में, आई मीन नन ऑफ द प्रेडिक्शन हैज गॉन रॉन्ग टिल नाउ. मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको 150-200 मिल जाएंगे विथ डेट स्टैम्प्स, ऑल द प्रेडिक्शंस विच आर प्रूवन करेक्ट. जो स्टूडेंट्स अभी मारे गए हैं पिछले 45 डेज में यूएस में, उसका प्रेडिक्शन मैंने सितंबर में दे दिया था कि बच्चे मारे जाएंगे. नाउ दैट आई हैव प्रेडिक्टेड कि एक NRI गैदरिंग होगी कुछ ऐसी ही जहां पे गन शूटिंग होगा, और अगर सिग्नल सही मिलेंगे तो मैं स्टेट भी बता दूंगा कौन से स्टेट में ये होने वाला है. ठीक, तो बिफोर वी गो टू इकोनॉमिक्स, और ये जो प्रेडिक्शंस जियोपॉलिटिकल दिए हैं मैंने, जहां पे मैंने बताया कि क्यों POK यूक्रेन ताइवान और इजराइल ईरान के बीच, उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा. तो भारत का इकोनॉमिक्स और बाकी के विश्व के इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि भारतीय धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है कि आप जो हैं वो आत्मा है और बॉडी जो है वो व्हीकल है. ये है भारतीय इकोनॉमिक्स का बेस, जहां पे हम कह रहे हैं कि ये वी आर नॉट वन लाइफ पीपल, दिस इज नॉट द ओनली लाइफ, ये एक ही जीवन नहीं है. तो आप बॉडी नहीं हो, आप सोल हो. ठीक है, तो वापस आप आने वाले हो. बाकी का विश्व कह रहा है कि आप बॉडी हो, सोल इज जस्ट अ व्हीकल, मतलब एक ही लाइफ है. तो दोनों के इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस यहां से शुरू होता है. एक जो है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे अपना फोकस लगा के बैठे हैं, और एक भारतीय इकोनॉमिक्स है जो बोल रहा है कि जो भी गड़बड़ है वो तुम्हारे अंदर ही है, जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो तुम्हारे अंदर करना है, बाहर नहीं करना है. तो आपका फोकस रहा मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मेरी नेक्स्ट बुक आने वाली है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जिसको मैं सनातन इकोनॉमिक्स बताता हूं, और एक जो है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स जो बोल रहा है कि भाई सिर्फ मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसी पे फोकस करो, क्योंकि दुनिया तो आपके कंजम्पशन के लिए बनी है, क्योंकि आपका एक ही जीवन है, तो इसी जीवन में सब कुछ आपको कंज्यूम करना है, आपने तो नेक्स्ट जनरेशन का कुछ देखना नहीं. तो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स की स्टेज पे जो भ्रम चले हैं, बड़े बड़े भ्रम चले हैं, जिसमें जो सोर्स मैं मानता हूं वो इकोनॉमिक्स है, मुझे इकोनॉमिक्स दिखाई देगा हर जगह, राइट, दैट इज अ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जो भी गिनना हो.
तो जहां पे मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आप फोकस करोगे तो उसका क्या परिणाम आता है? उसका परिणाम आता है कि आपको लगता है कि वेल्थ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, और अगर वेल्थ जो नेचुरल रिसोर्सेज है तो फिर आप अपना जियो इकोनॉमिक्स कैसे डिजाइन करोगे और आप अपना जियो पॉलिटिक्स कैसे डिजाइन करोगे? आप जो है एब्राहमिक रिलीजियन थॉट प्रोसेस से मॉब बनाओगे जियो पॉलिटिक्स में, जो इन्होंने किया कि एक डेमोक्रेसी वाला ग्रुप है और एक कम्युनिस्ट ग्रुप है, और भारत को बोला जा रहा है कि आप या तो हमारे साथ हैं या तो आप रशिया और चाइना के साथ हैं, दो में से एक ही हो सकता है। तो ये जो अब्राहमिक मॉब बनाने की प्रक्रिया है और मॉब के ऑब्जेक्टिव्स लेके जियोपॉलिटिक्स चलती है, या तो आप इस ग्रुप में हो या तो आप उस ग्रुप में हो, जिसको आप जानते हैं जयशंकर जी बैटिंग करते हैं अब। बाय 2030 भारतीय फॉरेन मिनिस्टर विल बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। मैं प्राइम मिनिस्टर की तो बात भी नहीं कर रहा, उनसे तो आप मिलना भी भूल जाओ। और ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि जो एब्राहमिक इकोनॉमिक्स के रास्ते पे आप चले, जहां पे ये जो इकोनॉमिक्स हुई 400 साल की, पिछले 400 साल की, जहां पे मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको बोला गया कि जॉब मॉडल जो है वो एम्पावरमेंट का मॉडल है, ये 400 साल में आया है, इससे पहले नहीं था। जॉब एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट ये 400 साल में आया है, लास्ट 400 इयर्स, इससे पहले नहीं था। और बड़े अचरज की बात है कि ये 400 साल के वक्त ही क्यों, इसी 400 साल में क्यों हुआ ये? क्योंकि पाउंड को बनाया गया सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वर्ल्ड का, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो सूरत के पोर्ट पे हुई। अब सूरत का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? इट वॉज द रिचेस्ट पोर्ट इन द एंटायर कॉन्टिनेंट, नॉट द कंट्री, एंटायर कॉन्टिनेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है सूरत में, और वो बनता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के स्टेटस से? पांच फ्रेंड हैं, होटल जाते हैं, अमेरिका वाला फ्रेंड है बोलता है एक काम करते हैं, होटल का बिल जो है हम डॉलर में पे करेंगे। बाकी के चार खुश हो गए, भरने दो इसको बिल। फिर अमेरिका वाला फ्रेंड बोलता है एक काम करते हैं, एक दूसरे के साथ हमें जो भी ट्रेड करना है वो डॉलर में करते हैं। बाकी सब ने मान ली बात, 180 प्लस देशों ने अपने करेंसी को आर्टिफिशियली डिस्ट्रॉय किया और यूएस डॉलर को ऊपर लेके गए आर्टिफिशियली। क्या होता है इसके बाद? अब एक फ्रेंड है 12-12 घंटे काम कर रहे हैं पहले डॉलर कमाने के लिए, बांग्लादेश भूटान नेपाल बाजू में ही है लेकिन ट्रेड नहीं कर सकते, पहले डॉलर कमाने पड़ेंगे, 12 घंटे काम किए। एक दो फ्रेंड ने बोला हमसे तो नहीं हो पा रहा ये, बोला गया मैं कुछ इंस्टीट्यूशन बना देता हूं, वर्ल्ड बैंक IMF, वहां से आपको डॉलर में लोन्स मिल जाएगी, जाके ले आओ। लोन लेने गए, वहां कंडीशंस रखी गई, पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी की, ट्रेड पॉलिसी की, डिफेंस पॉलिसी की कंडीशंस डाली गई आपके ऊपर। दो देश हैं जो बोले नहीं हो रहा है हमसे, दिस डज नॉट वर्क, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो आज तक नहीं मिले।
तो ये जो पूरी एब्राहमिक इकोनॉमिक्स चली, जहां पे वुमेन को भी डिप्लॉय कर दिया एज अ यूनिट ऑफ लेबर, और क्लासरूम से कंपनी का एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का माफिया बना दिया गया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, और उसको कपड़े पहनाए गए को एजुकेशन एम्पावरमेंट इक्वालिटी के, इसमें अब सारे देशों के बर्थ रेट्स जा चुके हैं। पता चला क्या हुआ वन लाइफ इकोनॉमिक्स से? क्या होता है एब्राहमिक इकोनॉमिक्स से? ये होता है, आपके बर्थ रेट्स जा चुके हैं, अब यूएस के बर्थ रेट जा चुके हैं, रशिया के जा चुके हैं, चाइना के जा चुके हैं, जापान के जा चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के जा चुके हैं। अब इनको पता नहीं करना क्या है, वन लाइफ इकोनॉमिक्स पे चल रहे थे तो यही होना था। दूसरी गड़बड़ी, क्योंकि अब आपको एक ही लाइफ है और एक ही लाइफ में सब कुछ कंज्यूम करना है, तो फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चुरा के लोन ले लेके आपने वो लाइफस्टाइल जीना शुरू किया, और फिर जन्म आपको देना नहीं है फ्यूचर जनरेशन को, तो भरेगा कौन पैसा? भर भर के यूरोप में रेडिकल्स उठा के लेके गए, जन्म आपने देना नहीं है, हाइपर कंजम्पशन करना है क्योंकि वन लाइफ है, वुमन को डिप्लॉय कर दिया जॉब में टेंपरेरी जीडीपी ऊपर ले जाने के लिए, बर्थ रेट्स जा चुके, फ्यूचर जनरेशन है नहीं तो वो लोन्स भरेगा कौन, बॉर्डर खोल दिए जा रहे हैं, सदन यूएस से सारी बॉर्डर खोल दी गई है कि ये उधार चुकाएगा कौन। गालियां पड़ रही हैं नेटिव्स की कि इल्लीगल्स को अंदर क्यों लाया जा रहा है, एनआरआईस पूछ रहे हैं कि हम तो भाई ग्रीन कार्ड के लिए इतने साइन से इतने सालों से लाइन पे लगे हैं, यहां पे इनको क्यों लाया जा रहा है। ये आपकी एब्राहमिक इकोनॉमिक्स रही, जहां पे आपने जॉब मॉडल को एम्पावरमेंट बनाया। तो कैसे ध्वस्त किए गए सारे वो इकोनॉमिक्स मॉडल जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल पे बेस थे, सबसे इंपॉर्टेंट जो था मंदिर इकोसिस्टम, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म होता है आपके ऊपर कि आपको तो सिविलाइज हमने किया, इंस्टीट्यूशन हमने दिए, आपके पास तो इंस्टीट्यूशन था ही नहीं। मंदिर था हमारा इंस्टीट्यूशन, एक ही इंस्टीट्यूशन था जो सारे इंस्टीट्यूशन के लिए वर्क करता था एज अ रिप्लेसमेंट। तो भारतीय सभ्यता का वो डाउनफॉल, जहां पे मंदिर के कैंपसेस में गुरुकुल हुआ करते थे, आज यूनिवर्सिटी कैंपसेस में एक छोटा सा डेमो मंदिर दिखाई देता है। ये आपका डायरेक्शन डिस्ट्रक्शन का, और वो हमें बता रहे हैं कि हमने आपको इंस्टीट्यूशन बना के दिए। 1800 सालों से अगर आप 27% वर्ल्ड को जीडीपी दे रहे थे अकेले, और वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं था, और हम सुन रहे हैं इसको। राम मंदिर के दिन तक ये बातें चली। अच्छा, इस मंदिर का क्या करोगे? हॉस्पिटल बना लो, जॉब्स कहां से आएंगे मंदिर में? ये बात चली 22 जनवरी 2024 तक, और क्यों चली आ रही है? क्योंकि आपको नहीं पता कि सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल था क्या, तो वो आपको ये पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ उस दिन जो अचानक से बातें शुरू हो रही है कि अयोध्या अकेला $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा बाय 2030? ऐसा क्या जादू हो गया? क्योंकि वो दिन जो है वो आपका सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे है। डर लग रहा है अब? शाहरुख खान जी बता रहे हैं अभी जय श्री राम बोल रहे थे।
तो 15 अगस्त 1947 जो आपने पॉलिटिकली नेगोशिएट करके इंडिपेंडेंस डे लिया, नहीं मानते हम, नहीं मानेंगे, नहीं मानते उन लीडर्स को जो टेक्स्ट बुक में लिखे जाते हैं फ्रीडम फाइटर। आपको फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम नेगोशिएटर का डिफरेंस नहीं समझ आता? जो लीडर खुद कह रहा है कि फाइटिंग नहीं करनी है, आप उसको फ्रीडम फाइटर बता रहे हो। वो खुद बोल रहे हैं कि फाइटिंग नहीं कर, लेकिन आप टेक्स्ट बुक में वो फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। उस भरत के वंशज हैं हम, और पिता निकल आते हैं अभी ये लेटेस्ट। ये बड़ा अजीब सा पिता बाद में आए, समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस डे तो आपका हो गया, अब आपका सिविलाइजेशनल रिपब्लिक डे कब आएगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में सेक्युलर शब्द को रिप्लेस करके धार्मिक वर्ड आएगा। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, जब ये बदलेगा, भारत दैट इज भारत वर्ष शैल बी अ यूनियन ऑफ जनपदस, जब सोशलिस्ट सेक्युलर और डेमोक्रेटिक हटा के प्रीएम्बल में लिखा जाएगा धार्मिक फैमिलिस्ट ह्यूमनिस्ट कंट्री, फैमिलिस्ट FAMILY, वरना पता नहीं। तो वो फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स जहां पे 15, आपको एग्जांपल देता हूं सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, 15 फैमिली 15 किस्म के शर्ट्स बना रहे हैं। एडम स्मिथ चला आता है कहीं से, बोलता है मैंने आपको डिवीजन ऑफ लेबर का बेनिफिट देना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। 14 डिजाइन मार्केट में से हटा देता है, 15 फैमिलीज को बोलता है तुम्हारा फैमिली कॉर्पस मुझे दे दो, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, एक ही डिजाइन मार्केट में चलेगी और तुम मेरे एम्प्लॉयज बनोगे। ये आपका एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म। 90% पॉपुलेशन का वेल्थ ले लिया जाता है और किसको हैंडओवर कर दिया जाता है? 5% लोगों को। ये आपका पर कैपिटा का फॉर्मूला। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? पर कैपिटा इंडेक्स, पूरा वेल्थ अगर एक पर्सन के पास है तो भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर वही आएगा। आ रहा है समझ में? दिस इज पर कैपिटा इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स सुनो, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 11th क्लास का कॉमर्स का बच्चा आपको बता देगा, 11th क्लास का, कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे कैलकुलेट करना है किसी पीरियड का तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन सी आइटम्स होती है? रेवेन्यू आइटम्स होती है। GDP में क्या कैलकुलेट हो रहा है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा हो रहा है? एक कैपिटल आइटम है और एक रेवेन्यू आइटम है, इन दोनों को ऐड क्यों किया जा रहा है? क्यों?
क्योंकि उनके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस था, एंडलेस प्रिंटिंग मशीन, तो उनको कैपिटल और रेवेन्यू के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं है। पूरा देश कुछ भी नहीं करेगा तो भी करेंसी प्रिंट करके जीडीपी ऊपर ले जा सकते हैं। जबकि एक भारतीय समाज में या कोई भी दूसरी कंट्रीज को अगर लोन चाहिए 9, 10, 11, 12% दूसरे दिन वो वापस लोन कैसे ले पाएगा? वहां पे एंडलेस प्रिंटिंग मशीन चल रहा है, जीडीपी में कोई ऊपर आ ही नहीं सकता कोई और देश। कैपिटल और रेवेन्यू के बीच कोई डिफरेंस ही नहीं है वहां पे। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक्स का बदमाशी चला है, करेंसी को नीचे लेके गए। पहले होता था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, ह्यूमैनिटी ने बार्टर सिस्टम किया कि एक फैमिली यूनिट और कम्युनिटी पूरा एंड प्रोडक्ट बनाएंगी और दूसरे फैमिली यूनिट और कम्युनिटी के साथ एक्सचेंज करेंगे। यह था बार्टर सिस्टम, नो ओवर प्रोडक्शन, नो अंडर प्रोडक्शन, नो इन्फ्लेशन, नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यहां से करेंसी को उठा के लेके गए, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आए, लोगों का ट्रस्ट डालने के लिए उस पर किंग और क्वींस के फोटोज डालने पड़ते हैं उस कॉइन्स पे। फिर जब भी ये मोनार्क्स को ऐसा लगता है कि भाई मुझे वेल्थ इकट्ठा करनी है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को डीमोनेटाइज किया गया, चीपर मेटल कॉइन्स आए, फिर और डीमोनेटाइज किया गया, फिर पेपर नोट्स आई, लोगों का ट्रस्ट डालने के लिए उस पर लिखा गया इन गॉड वी ट्रस्ट कि ये करेंसी है। अब आगे आ रहा है उस करेंसी, पेपर करेंसी में बोला गया लोगों को भरोसा कैसे होगा, तो बोला गया कि इतना गोल्ड होगा तो हम इतनी करेंसी छापेंगे। लेट 1970s आते आते एक पेपर करेंसी का जो गोल्ड का वेटेज था वो नीचे आते 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 इतना खत्म हो गया। 1971 में बोल रहे कुछ भी नहीं, नथिंग, विल प्रिंट टोटली आउट ऑफ थिन एयर। अब बोल रहे हैं कि पेपर भी नहीं, अब खाली इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करेंगे। दिस इज एब्राहमिक इकोनॉमिक्स। बचपन में वो बिजनेस का गेम खेलते थे ना, उसमें करेंसी का आता था, उससे भी खराब। जो बात हो रही है सीबीडीसी की, डिजिटल डॉलर की जो बात चल रही है, उसमें हो सकता है 3 महीने का वैलिडिटी, उसमें हो सकता है डिलीट कर सकते हैं, नई एंट्रीज बना सकते हैं। तो ये जो पूरा मजाक बना दिया गया इकोनॉमिक्स का, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स के चलते, गल्फ को समझ आ रहा है क्योंकि फाइनाइट मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे इकोनॉमिक्स बेस करेंगे। जो क्रूड ऑयल बचा है या उसका रेलेवेंस बचेगा बिकॉज क्लाइमेट गोल्स हैं, उन्हें भी समझ आ गया कि अगर क्रूड मुफ्त का जो क्रूड ऑयल निकल रहा है अगर उस पर बेस करेंगे इकोनॉमिक्स तो वापस ऊंट पे जाएंगे। तो वो भी खोज रहे हैं निकाल के, भाई हमारे माँ बाप थे कौन, क्योंकि बच्चों के पॉकेट में से जब पैसे खाली हो जाते तब माँ बाप याद आते हैं। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है घर वापसी का, पता नहीं लोग क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं। लोगों ने क्यों कॉम्प्लिकेट कर रखा पता नहीं। घर वापसी का इतना सिंपल फॉर्मूला है कि बिगड़ेल बच्चे थे, पैसे खत्म हो गए, अब एड्रेस ढूंढ रहे हैं। बड़ी बदमाशी चली 1971 के बाद। फियाट डॉलर आता है,
अचानक से जावेद सलीम की स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है, अमिताभ बच्चन जी 786 का बिल्ला लेके निकलते हैं। सऊदी अरेबिया में जो कभी ब्लैक कपड़ा नहीं हुआ करता था 1971 के डॉलर से पहले, अचानक से सारे कपड़े जो हैं चेंज हो जाते हैं। सारी हाईवेज की दोनों साइड की प्रॉपर्टीज पेट्रो डॉलर से खरीदी जाती है। वही पेट्रो डॉलर से गुलशन कुमार की हत्या होती है। अचानक से वो बॉलीवुड जिसमें सर्वाइव करने के लिए हिंदू नाम रखना पड़ता था, अचानक खान से एंटर करते हैं। तो डॉलर अगर रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं होती तो आपको खान नहीं मिलते बॉलीवुड में। वो सारी प्रेम वाली मूवीज नहीं बनती जब हर एक सिटीज में आपके टेरर अटैक चल रहा था। और सारी स्क्रिप्टिंग में वो अरेबिक वर्ड्स नहीं आ जाते सॉन्ग्स में। तो यही जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, यही वो प्रोसेस है डी कोलोनाइजेशन का, यही वो प्रोसेस है डी रेडिकलाइजेशन का, यही वो प्रोसेस है डी मिशनराइजेशन का, और यही वो प्रोसेस है डी कम्युनिज्म का। कल को पूछा जाएगा कि चाइना के साथ आपके बायलैटरल रिलेशंस क्या है, पिटाई होनी चाहिए एलएसी पे और चीखें निकलनी चाहिए वहां से, यही रिलेशन है। मैंने बैठना क्यों है आपके साथ टेबल पे, मेरे पास और बहुत सारे देश हैं जिनसे मैं सीरियस बातें कर सकता हूं। अगर आपने मेरे साथ बैठना है बायलैटरल रिलेशंस के लिए, रिवर्स करो 1965, हर एक मंदिर रिवाइव होंगे चाइना के अंदर। रिवर्स करो 1979, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है स्प्लिट होगा भारत चाइना और रशिया के बीच। ये दोनों रिवर्सल के बिना मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं बायलैटरल रिलेशंस के लिए डिस्कशन के लिए बैठूं। तो एक डी कम्युनिज्म का वो वेव चलेगा विद इन चाइना, हर एक मंदिर को रिवाइव किया जाएगा। आपके एंशिएंट भारत के साथ क्या लिंकेजेस थे वो आप फुल पब्लिक डिस्प्ले में विद इन चाइना म्यूजियम में डालोगे। वापस वही सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल बैठेगा मंदिर इकोसिस्टम के साथ, सऊदी अरेबिया से लेके लाओस कंबोडिया उस तरफ। तो भारत 2047 जहां पे प्रधानमंत्री जी ने राम भगवान की स्थापना करने से पहले 4 करोड़ लोग अपने घर गए हैं, भगवान पहले अपने घर जाए उससे पहले सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ होने के बाद, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का अप्रोच था कि मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप बीच में रखोगे और उसी बेस पे इकोनॉमिक्स चलेगी। ये है रिवोल्ट वो भारत 2047 का जो स्थापित होगा वापस उसी स्थान पे, पूरे विश्व के गुरु के रूप में, जहां पे वो पूछने आएंगे आपको कि गुरुजी हमें बताएं कि पॉलिसी में क्या रेक्टिफिकेशन करने हैं। दैट इज द विश्व गुरु स्टेटस। जय हिंद।